Hello students, today I will teach you the topic photorespiration. Students, question here, what is photorespiration? Students, it is a light dependent process in which uptake of O2 and output of CO2 takes place. So you can say that light dependent uptake of O2 and output of CO2 is called photorespiration. Student, if this process takes place when oxygen is present in more amount inside the cell, जब cell के अंदर oxygen ज़्यादा amount में होती है तब ये process takes place होता है और उस समय temperature high होना चाहिए. Student, in this process, three cell organelles are involved: chloroplast, peroxisome, mitochondria. Student, when oxygen level increases, then increases the photorespiration. Next, increase CO2 level अगर हो रहा है तो decrease photorespiration हो जाएगा, increase photosynthesis होगा. Student, this process is also called photosynthetic carbon oxidation cycle or C2 cycle. Next, student, it occurs in presence of light. ये process light के presence में होता है जब temperature high हो और photorespiration तब high हो जाता है. Next, student, this is the schematic diagram pathway of the photorespiration. This photorespiration takes place in two cell organelles. First is chloroplast, second peroxisome and third mitochondria. Student, होता क्या है, सबसे पहले जो RUBP होता है ये ऑक्सीजन को सबसे पहले यूटिलाइज करेगा जब ऑक्सीजन का लेवल प्लांट सेल में ज़्यादा होगा, मेजोफिल सेल में. तभी मेजोफिल सेल का जो RUBP है क्लोरोप्लास्ट में, वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होगा. ऑक्सीजनेशन प्रोसेस यहाँ पर टेक्स प्लेस होगा और इस प्रोसेस में भी रोबिस्को ऑक्सीजनेज एंजाइम यूज होगा. और ये RUBP O2 मिलकर के फोटोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करेंगे और PGA बनेगा. स्टूडेंट, ये जो कंपाउंड है ये इसके बाद ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होगा और ग्लाइकोलेट एंटर कर जाएगा पराक्सिसोम में. वहाँ पे ये ग्लाइकोलेट ग्लाइकोऑक्सीलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन इसमें यूज़ होगी और ये ग्लाइकोलेट नेक्स्ट कंपाउंड ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा और ग्लाइसिन स्टूडेंट जब बन जाएगा तब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगी. ग्लाइसिन एक टाइप का अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड जब बन जाएगा ये, तभी ये सेरीन में ब्रेक डाउन होगा. इस दौरान ऑक्सीजन का यूज़ होगा, CO2 रिलीज होगी. यहाँ पर एक कार्बन कम हो जाएगा. अब ये सेरीन जो है स्टूडेंट, ये एंटर कर जाएगी किस में, पराक्सिसोम में अगेन. अब ये सेरीन से बनेगा ग्लिसरेट और ये ग्लिसरेट बनने के दौरान NADH2 से NADH NAD बनेगा. यहाँ पर यह हाइड्रोजन का यूज़ होगा. अब ये ग्लिसरेट जब बनेगा ये दोबारा से PGA में कन्वर्ट होगा और ये PGA जो है स्टूडेंट, यहाँ पे PGA जो बनेगा, ये PGA कब बनेगा, जब ग्लिसरेट यहाँ पर स्टूडेंट फास्फेट ग्रुप को इस ATP से कंबाइन करेगा और ADP बनाएगा और एक फास्फेट ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा, तब फास्फोग्लिसरेट बन जाएगा, ग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा.
जिस दैट इज ऑल्सो नोन एज पीजीए. तो दिस होल प्रोसेस, दिस होल साइकिल इज नोन एज द फोटो रेस्पिरेशन. यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, ऑक्सीजन का यूटिलाइज किया आरयूबीपी ने और बनाया यहाँ आप फोटोसिंथेसिस. जो आरयूबीपी फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता था, लेकिन उस आरयूबीपी ने ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन ना करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है. अब नेक्स्ट है इसके पराक्सिसोम में क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन क्या करेगा, यहाँ पर कार्बन को रिकवर करेगा फ्रॉम द एक्सेस ग्लाइकोलेट. ओके, एक्सेस जो ग्लाइकोलेट में जो कार्बन होंगे उससे कार्बन को रिकवर करेगा और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन यूज हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. तो स्टूडेंट ड्यूरिंग द डे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज हेयर रिलीज्ड बट ऑक्सीजन इज यूज्ड. This process known as the means uptake of O2 and in out and output the CO2 is known as the photorespiration. So student, in this way you can understand this whole phenomenon, yeah, whole pathway.